एक बात पूछूं? मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे? कैसी बातें कर रही हो? इसलिए क्योंकि डरती हूं मैं। तुम्हारी पहली मोहब्बत सारा है और वो हर लम्हा तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम्हें भी देख रही होती हूँ मैं हर वक्त, कैसे बेचैन रहते हो उसके लिए। तुम्हें क्या लगता है, नोटिस नहीं करती मैं? तुम्हारे लिए परेशान भी होता मैं। फिर एक बात का जवाब दो, तुम वाकई प्यार करते हो मुझसे या मैं सिर्फ मजबूरी हूँ तुम्हारी? तुम गलत समझ रही हो। तो फिर बताओ, प्यार करते हो मुझसे या नहीं? कैसा सवाल है? सवाल है, जवाब तुम। कितना प्यार करते हो मुझसे? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं नहीं, कहने का मतलब ये कि प्यार को नापने का पैमाना तो नहीं होता ना कोई। मैं शायद तुम्हें कभी भी नहीं बता सकूं कि मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे। मेरे कहने पे तो तुम नहीं आया सर, लेकिन अपनी मामा के कहने पे तो आओगे ना। वो कौन सा लम्हा होगा जब मैं तुम्हें अपने सामने देखूंगी? तुम्हें अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा सच बताऊं, जो आज तक किसी को नहीं बताया मैंने, लगा ही नहीं को समझेगा। क्या बताऊं? मैं बहुत छोटी सी थी जब मैंने अपनी सारी फैमिली खो दी, माय मॉम, माय डैड, उनके सारे जानने वाले, अपेरेंटली एवरीबॉडी। तब से जो कुछ भी किया अपने लिए खुद किया है, सारी मेहनत, सारी स्ट्रगल, आज जो कुछ भी अपने बलबूते पे। कभी बीमार होती थी तो पता था कोई देखभाल करने वाला नहीं, खुद ही ठीक होना है मुझे। कभी जब मैं अकेली होती थी ना, तो मैं अक्सर दुआ में ये मांगती थी कि काश कभी जिंदगी में मेरे पास भी कोई ऐसा हो जो ये जानना चाहे कि मेरे दुख दर्द क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ। मुझे पता नहीं था कि मेरी दुआ इतने खूबसूरत अंदाज में कबूल होगी। तुम्हें पता, जब तुम आए थे मेरी जिंदगी में और तुम्हारे मसले चल रहे थे और आंटी ने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए, फॉर अ मिनट आई फ्रीक्ड आउट, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूँ। बट देन अगले लम्हे ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस इंसान की जिंदगी से मुझे सारे गम निकाल देने चाहिए। He doesn't deserve this. इसके सारे मसले हल होने चाहिए। और आयरनी देखो जिंदगी की, उसी सड़क पे चलते चलते पता नहीं कब कैसे मैं खुद एक बहुत गहरे दलदल में फंसती चली गई। आई होप यू नो वो दलदल तो तुम्हारा प्यार है। मैं जानती हूँ असद, तुम ज़ारा से बहुत प्यार करते हो, तो मैं उसे छीनना नहीं चाहती। एट द सेम टाइम मैं भी तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। तुम चले गए मेरी जिंदगी से खाली हो जाएगी, क्या करूँगी मैं? तुमने इतने कम वक्त में बहुत कुछ दिया है मुझे, अपना नाम, इतना प्यार, इतनी इज्जत, दिस बेबी। मुझे ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया की खुशियाँ मेरी झोली में आ गई हैं, सारे गम भूल जाते हैं अपने। मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे ना? ये तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी खुशियों का दुश्मन हूँ? ऐसा नहीं है, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो कि मुझे कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जाना होगा।
जाना चाहते हो तो चले जाओ, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी मत जाओ प्लीज। तो फिर कब? तब जब शायद तुम जैसा कोई हो मेरे पास। क्या मतलब? जब ये बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तुम जैसा ही तो होगा, फिर जब तुम मेरे पास नहीं होगे और मैं उदास हो जाया करूंगी तो बस हमारे बेबी में तुम्हारी शक्ल को देख के अपने आप को तसल्ली दे लूंगी, दिलासा दे लूंगी, फिर इतना तंग नहीं करूंगी आज। ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसे।